इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। भारत में ऐसी कई महिला शासक हुई जिन्होंने अपनी वीरता और कर्तव्यगारी से भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। इन महिलाओं में नाम आता है दिल्ली की रजिया सुल्तान, वारंगल की रुद्रम्मा देवी, अहमदनगर की चांद बीबी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। ऐसा ही एक नाम आता है मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज की छोटी बहू रानी ताराबाई का, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के सबसे कठिन दिनों में मुगल बादशाह औरंगजेब से जंग कर राज्य की रक्षा की। पर ताज्जुब की बात यह है कि रानी ताराबाई के बारे में न सिर्फ बाकी भारत पर उनके जन्म और कर्म भूमि महाराष्ट्र में भी बहुत कम लोगों को पता है। रानी ताराबाई के जीवन और कार्य के बारे में जानने के लिए हमने बात की लेखक और इतिहास संशोधक यशोधन जोशी से, जो सालों से कोल्हापुर के इतिहास पर रिसर्च कर रहे हैं। तारा रानी का महत्व मराठा इतिहास में यह है कि जब कोई भी पुरुष जो राज्य कर रहा है, राज्यकर्ता जब कोई भी नहीं था, तो तारा रानी एक जो विधवा है, एक राजा की पत्नी है, जो एक 25 साल की औरत है, वो पूरा डोर बागडोर अपने हाथ में लेती है और मराठा स्वराज्य को औरंगजेब जैसे जो बलशाली उसका दुश्मन है मराठा साम्राज्य का, उसके खिलाफ जो उसका लड़ाई करती है, 7 साल जो मराठा राज्य आगे तक चलाती है। सो ये पहली बार इतिहास में ऐसा होता है मिडिवल हिस्ट्री में कि एक महिला औरंगजेब के साथ लड़ रही है। एंड औरंगजेब को हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि औरंगजेब उस टाइम का सबसे बड़ा रूलर है, एशिया का सबसे बड़ा रूलर है, उसके पास लाखों की फौज है, उसके पास एन नंबर ऑफ रिसोर्सेस है और ताराबाई के पास कुछ ज्यादा है नहीं, फिर भी शी स्टैंड्स एंड फाइट अगेंस्ट औरंगजेब। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर, लाइक वी वुड से कि ये जो घटनाक्रम है उसकी ब्यूटी ये है। महारानी ताराबाई का इतिहास समझने के लिए हमें कोल्हापुर और पन्हाला किले का ऐतिहासिक महत्व जानना जरूरी है, जिससे वो जीवन भर जुड़ी रही। पन्हाला जो कोल्हापुर के पास है, पन्हाला ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है जो कोकण में जाने वाले सभी जो रूट्स है वो पन्हाला के आसपास से जाते हैं। सो कोकण से कोई भी कोल्हापुर की तरफ आ रहा है या कोल्हापुर से कोई भी कोकण की तरफ जा रहा है, तो वहां पे वो एक चेक पॉइंट है। अगर हम आज का भी महाराष्ट्र देखें तो कोल्हापुर एक एकदम डायरेक्ट एंड है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ महाराष्ट्र। तो तब भी महाराष्ट्र में कोल्हापुर का इंपॉर्टेंस यही था कि वहां से कर्नाटक और कोकण जाने के लिए सारे के सारे लोकेशंस वहीं से जाते हैं। जो भी लड़ाइयां हुई वो पन्हाला और कोल्हापुर के वर्चस्व के लिए हुई, शिवाजी महाराज और आदिल शाह के बीच में। तो ये कोल्हापुर का तब का महत्व था। तो पन्हाला ऐसे सेंट्रली लोकेटेड होने से दोनों के बीच में उसी एरिया के आसपास बहुत सारी लड़ाइयां हुई है कोल्हापुर के आसपास, कि कोल्हापुर हो, अजरा हो, गडिंग्लज हो, इसके आसपास के ये एरिया में काफी सारी लड़ाइयां हुई। तो पन्हालागढ़ का महत्व यह है क्योंकि आपको अगर रूल करना है, आपको अगर शासन करना है, तो आपको ट्रेड रूट्स और मिलिट्री रूट्स आपको अपने कब्जे में रखने होते हैं। तो पन्हाला का लोकेशन के वजह से उसके बारे में दोनों को इम्पोर्टेंस उसका पता था। और अभी हमारा जो हेडक्वार्टर हम बोलते हैं तो कोल्हापुर इज अ हेडक्वार्टर एंड पन्हाला फॉल्स अंडर इट, बट बीइंग अ मिलिट्री पावर्स, बीइंग मिलिट्री पावर्स बीट मराठा और बीट आदिल शाह, तो मिलिट्री पावर होने की वजह से उनका जो पूरा पावर सेंटर जो होते थे वो किले पे होते थे, वो ऐसे जमीन पे कभी नहीं होते थे। क्योंकि अगर जमीन पे अगर दुश्मन आ भी जाए, यू कैन सिक्योर योरसेल्फ बाय हाइडिंग इन अ फोर्ट। एंड एक एक किले को अगर आपको जीतना है तो उसके लिए काफी समय लगता है, उसके लिए आपको काफी रिसोर्सेज देने पड़ते हैं। तो पन्हाला जैसा किला जो है, जहाँ पे साल के 4-5 महीने भयंकर बारिश होती है, उसको अगर आप सराउंड करना चाहो तो आपको एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, ट्रिमेंडस आपको टाइम लगेगा, और उसके बाद भी यू नेवर नो कि कहाँ कहाँ से बीट के रस्ते से दुश्मन निकल जाए। सो दैट इज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट। तो इसलिए पन्हाला जीतना मुश्किल भी था और उसको हाथ में रखना भी मुश्किल था। महारानी ताराबाई का जन्म सरदार मोहिते परिवार में हुआ। उनके पिता हम्बीराव मोहिते मराठा राज्य के सेनापति थे। कम उम्र में उनकी शादी छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे सुपुत्र राजा राम महाराज से हुई।
अम्बिला मोहिते और उनका जो मोहिते परिवार है पहले से ही शिवाजी महाराज और स्वराज्य से जुड़े हुए थे। मोहिते का जो उनका ओरिजिनल जो एंसेस्ट्रल गांव है वो कराड़ के पास, मतलब कोल्हापुर से अराउंड 60-80 किलोमीटर के आसपास जो कराड़ करके गांव है उसके पास तड़बीड़ करके एक छोटा गांव है, वो उनका प्रॉपर जो हम बोलते हैं कि बॉर्न एंड उनका फैमिली स्ट्रीम वहीं से शुरू होता है। आज भी तड़बीड़ में अगर आप जाते हो तो मोहिते सरनेम वाले आपको काफी सारे लोग वहीं पे मिल जाएंगे। तो मोहिते वहां पहले ही महाराज से जुड़े हुए थे, तो उनके बीच में कभी ये फैमिली रिलेशनशिप बिल्डअप हुए। जब शिवाजी महाराज ने उनकी बहन के साथ शादी की तो उनके फैमिली रिलेशन बिल्डअप हो गए। और शिवाजी महाराज या तब का हम अगर पूरा ही सोशल कंटेक्स्ट देखते हैं तो पावरफुल फैमिलीज ऑलवेज हैव मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स इन बिटवीन देम। और हंबीराव मोहिते ही हिमसेल्फ वाज अ गुड जनरल, मतलब ही हैज स्टार्टेड हिज करियर एज अ लाइक एक सरदार की हैसियत से उन्होंने शुरू किया। और शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ 1672 में, उसके कुछ दिन पहले ही मराठा साम्राज्य के जो सेनापति थे प्रतापराव गुर्जर उनकी एक लड़ाई में उनका मृत्यु हो गया, तो उनको उनकी जगह पर हंबीराव मोहिते को ये बना दिया गया, सेनापति बना दिया गया। पूरे इंडियन हिस्ट्री को ही हम वी कैन से कि हमें ये शाप है कि हम हमें कुछ भी लिख के रखने की कभी भी आदत है नहीं। हमारे पास छोटे छोटे एक दो लाइंस के जो रेफरेंस मिलते हैं हम उसी से अब हिस्ट्री हम बिल्ड करते जाते हैं। तो तारा रानी का बचपन कैसा था, उनके घर में उनको क्या कंफर्ट मिला था, उनकी माँ के साथ उनके रिलेशन, ऐसा हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा कुछ तो है नहीं। बट इतना पता है कि उनका मायके का नाम तारा रानी नहीं था, उनका मायके का नाम सीताबाई था जो शादी के बाद चेंज होके तारा रानी बना दिया गया। तो उनकी शादी जब हुई राजाराम महाराज से तो वो राजाराम महाराज से अराउंड 4-5 साल तो छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम तब का सोशल एक ये देखे डिजाइन देखे कि कैसे मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप कैसे चलती है तो वो 4-5 साल से छोटी होंगी। तो राजाराम महाराज का जन्म 1670 का है तो उनका 75 तक का उनका जन्म होगा। सो जब शिवाजी महाराज ये हो गए उनकी डेथ हो गई तो वो ऑलमोस्ट 4-5 साल की होंगी, उससे बड़ी होगी नहीं। तो उनके बारे में इतना अपने पास इंफॉर्मेशन है नहीं। सन 1689 में ताराबाई के जीवन में एक मोड़ आया जब बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर तरीके से हत्या कर दी और मराठों की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। ताराबाई के पति राजा राम महाराज को महाराष्ट्र छोड़ चेन्नई के पास स्थित जिंजी के किले में पनाह लेनी पड़ी। औरंगजेब 1682 मतलब शिवाजी महाराज की मृत्यु के 2 साल ही बाद औरंगजेब दक्षिण में आया। उसको ये पता था कि अगर मुझे अभी ज्यादा एक्सपांड करना है तो माय ओनली एनिमी इज मराठास। तो उसने सबसे पहले मराठे के साथ लड़ने की कोशिश की। बट शिवाजी महाराज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, उसमें वो कहते हैं कि दक्षिणियांची पातशाही दक्षिणियांच्या हाती राहावी, मतलब जो दक्षिण के जो भी आदिलशाह हो, कुतुबशाह हो या मराठा हो, वो दक्षिण का राज्य हमारे ही हाथों में आना चाहिए, यहाँ पे मुगल नहीं आने चाहिए। ये इनका तीनों का व्यू क्लियर है। एंड जब ये औरंगजेब आता है तो तीनों इकट्ठे औरंगजेब के साथ लड़ते हैं। बट औरंगजेब की पावर इतनी भयंकर है, उसके पास इसके पास फौज ये इतनी प्रचंड है कि वो उसने आदिलशाही और कुतुबशाही को पहले मिटा दिया। सो ओनली रिमेनिंग पार्ट वॉज मराठास। तो अनफॉर्चुनेटली संभाजी महाराज पकड़े जाते हैं 1689 में संगमेश्वर के पास, एंड विदाउट नोइंग इवन गिविंग इट द क्लू टू एनी ऑफ द मराठास मराठा सरदार सेनापति, उनको एक अचानक लेके जाते हैं अहमदनगर के पास, भीमा नदी के पास, मतलब बहादुरगढ़ के पास। तो इसके बीच में अभी एवरीवन नोज कि अभी संभाजी महाराज वापस आने वाले है नहीं, और उनको वैसे ही हुआ, उनका भयंकर उनके साथ हाल अपेष्टा सहन करते हुए उनका मृत्यु हो गया वहां पे। तो रायगढ़ पे सिचुएशन ऐसी थी कि राजाराम महाराज अराउंड 15-16 साल के है, उनको राज्य कारभार का एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा अनुभव है नहीं। बट मराठास में हमेशा एक अच्छा था कि उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था, हु कैन रन द शो ऑन बिहाफ ऑफ द किंग इफ किंग इज लाइक माइनर। तो ये सिस्टम पहले से शिवाजी महाराज ने सेट करके रखा था। तो रायगढ़ पे यह भी पूरा सबको अंडरस्टूड था कि औरंगजेब अभी रायगढ़ पे ही आएगा, क्योंकि राजा पकड़ा गया है, अभी नेक्स्ट टारगेट इज राजधानी।
तो यह होने के बाद उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी तैयार किया था। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर रायगढ़ पे जो अटैक होता है वो अगर एक्सटेंड होता है तो राजाराम महाराज विल मूव अवे आउट ऑफ द रायगढ़, एंड संभाजी महाराज वाइफ येसुबाई एंड हिज सन शाहू महाराज दे विल बी इन रायगढ़, एंड दे विल बी उनका जो नशीब भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा उन्होंने स्ट्रेटेजी प्लान करके रखा था। तो रायगढ़ में पूरा प्लान था। तो अराउंड 1690 के आसपास, 89 के आसपास ही राजा राम महाराज रायगढ़ से निकल गए और वो प्रतापगढ़ पन्नाड़ा करते करते दक्षिण में चेन्नई के पास जिंजी किले तक पहुंच गए। सो ये अराउंड 1000 किलोमीटर का उनका सफर है और ये पूरा का पूरा मुगल एरिया से क्रॉस करते हुए। राजा राम महाराज जिंजी में जाने के बाद वो जो अप्रैल मई में निकले थे रायगढ़ से, वो अराउंड उनको पहुंचते पहुंचते जिंजी में नवंबर महीना आ गया है, क्योंकि सब फॉइल करते करते और बचते हुए जाना है उन्हें। तो एट द टाइम जब उन्होंने एक पन्नाड़गढ़ पे कुछ दिनों के लिए स्टे किया तो उन्होंने अपना पूरा कबीला, जो बोलते हैं मतलब बीवी बच्चे, वहीं पे, तब बच्चे उनके थे नहीं, तो तीन बीवियां, उन्होंने सारे के सारे पन्नाड़गढ़ पे ही रखे थे, क्योंकि पन्नाड़गढ़ वाज अ सेफ पॉइंट एंड पन्नाड़गढ़ वाज एक्चुअली वर्किंग एज अ सेकंड कैपिटल ऑफ मराठा मराठा एम्पायर इन द साउथ। तो उन्होंने वहां पे अपनी बीवियों को वहीं पे रखा और खुद आके निकल गए, क्योंकि ये अगर बीवी आपके साथ है, बाल बच्चे साथ है, तो आपका स्पीड काफी कम हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने वहीं पे उनको छोड़ा। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद 1674 में उन्होंने दक्षिण दिग्विजय निकाला था, मतलब ही हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दक्षिण, और उन्होंने चेन्नई के पास मतलब बेल्लोर बेल्लोर जिंजी जिंजी जस्ट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई, तो चेन्नई तो तब था भी नहीं, तो चेन्नई के पास तक उन्होंने अपना मराठा एम्पायर उन्होंने स्ट्रेच करके रखा था कि एक नैरो स्ट्रिप उधर तक है, क्योंकि ही वाज एक्चुअली प्रोबेबली ही माइट हैव दैट फोरसाइट कि इन फ्यूचर अगर औरंगजेब कभी नीचे आता है तो उनको एक एस्केप रूट होना चाहिए, कि बैकअप होना चाहिए, कि जहां से आपके अगर सप्लाई स्ट्रेच भी होते हैं महाराष्ट्र के, सो फ्रॉम एट सम प्लेसेस यू शुड गेट सम बैकअप एंड देयर इज सम प्लेस टू फॉर यू टू हाइड। तो यानी वो जिंजी तक का जो पूरा बेल्ट था वो मराठा के पास पहले ही था, तो इसलिए राजा राम महाराज को जिंजी तक जाना आसान हुआ और औरंगजेब को जिंजी तक पहुंचने में काफी सारा टाइम लगा। मतलब उसके सरदार जुल्फिकार खान, जिन्होंने जिसने रायगढ़ जीता था, वही जिंजी तक चला गया था, बट उसका ऐसा हो गया कि उसका वहां पे लाइक उसके सप्लाई लाइन स्ट्रेच हो गए थे, उसका पावर कम हो गया था, सो उसका पेनिट्रेशन जो था जिंजी की तरफ तो उतना ज्यादा हुआ नहीं। राजा राम महाराज इजिली ही वॉज फाइटिंग फ्रॉम जिंजी फॉर अराउंड 4 ईयर्स। तो जिंजी का ये महत्व है कि जिंजी हैज इज अ ट्रिमेंडस एक्सट्रीमली गुड मिलिट्री पॉइंट। जब राजा राम महाराज जिंजी में थे तब ताराबाई पन्हाला से राज्य की बागडोर संभाल रही थी। जिंजी में राजा राम महाराज जाने के बाद कुछ समय बाद तारा रानी वहां पे गई है और वहां पे उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा गया शिवाजी महाराज, फिर से शिवाजी महाराज वन हु वाज लेटर बिकम रूलर ऑफ कोल्हापुर। तो उनको एक वहां पे पुत्र हुआ, बट ये राजा राम महाराज के साथ इनिशियली नहीं गई है, वो बाद में गई है और हमको उनका रूट पता है नहीं, रादर वेदर शी हैज गॉन थ्रू मराठा नेवी यूजिंग मराठा नेवी कोस्टल लाइन से गई या बाय रोड गई, वी आर नॉट क्वाइट अवेयर ऑफ इट, क्वाइट नॉट श्योर अबाउट इट। तो तारा रानी वॉज लाइक सेकंड पावर, लाइक सेकंड इन कमांड, शी वॉज सिटिंग इन महाराष्ट्र, वो पन्नाड़गढ़ से और बाकी एरिया से वो थोड़ा बहुत ऑपरेट कर रही थी। सो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि शी वॉज अ टोटली नोवाइस टू द पॉलिटिक्स, नो, शी वॉज क्वाइट अवेयर ऑफ द थिंग्स। 1697 में राजा राम महाराज जिंजी से वापस महाराष्ट्र में आए, क्योंकि महाराष्ट्र में थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल के पास था तो वो महाराष्ट्र में आए। तो महाराष्ट्र में आने के बाद उन्होंने काफी सारी मतलब वराड़, वराड़ मतलब आज हम जिसके नागपुर एलिचपुर ये जो एरियाज है वहां तक उन्होंने कुछ कॉन्केस्ट की और भागाबड़ी काफी उनको हुई। तो सिंहगढ़ पे उनका मतलब ज्यादा एग्जर्शन की वजह से उनका मृत्यु हो गया। तो उसके बाद तारा रानी कम्स इनटू द पावर। तो तारा रानी पन्नाड़ा पे है, शी इज नॉट अवेयर कि उस यहाँ पे क्या हो रहा है। उनको जी राजा राम महाराज की जो तीन रानियां थी तीनों के तीनों पन्नाड़ा पे है, तो उसमें से एक जो है वो डिसाइड करती है कि मैं सती जाने वाली हूँ, सो शी
sacrifices herself. बचती है तारा रानी और राजेश भाई. सो तारा रानी बीइंग द एल्डेस्ट, शी हैज स्टार्टेड टेकिंग पावर्स इनटू हर हैंड. एंड तारा रानी के पास पहले से ही उसके पास फैमिली बैकग्राउंड में उसके मिलिट्री है, उसको टैक्टिक्स पता है, उसको पॉलिटिक्स पता है. एंड बेसिकली व्हाट आई वुड से कि उसको अपने जो भी उसके साथ काम करने वाले लोग हैं उनका उस पे प्रचंड विश्वास है उनके उनके मन में कि तारा रानी कैन हैंडल ऑल दिस थिंग्स. क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि राजा नहीं है, राजा का बच्चा छोटा है, तो ऐसे इसमें काफी सारे साम्राज्य जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं. बट मराठा का ऐसा हुआ है नहीं. तो रादर देन कोलैप्सिंग, तारानी अपने हाथ में लेटर पूरा का पूरा पावर लेती है एंड शी हैज स्टार्टेड एक्टिंग लाइक छत्रपति हिमसेल्फ. एंड तब उसका औरंगजेब के साथ वन टू वन उसका कॉन्क्वेस्ट होने लगते हैं. सन 1700 में राजा राम महाराज के निधन के बाद ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाया और अगले 7 सालों तक मुगलों की ताकत को टक्कर दी. सेनापति संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव के नेतृत्व में ताराबाई ने मुगलों के खिलाफ एक गुरेला वॉरफेयर छेड़ा और मराठा राज्य को मिटने नहीं दिया. ये रानी ताराबाई के जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल थे. औरंगजेब महाराष्ट्र में आता है 1682 में और उसका मृत्यु होता है 1707 में अहमदनगर के पास. वो वहां से मतलब उसने अराउंड 27 साल महाराष्ट्र में निकाले. 27-28 years he has spent half of his life, one third of his life in Maharashtra itself. तो उन्होंने उसके साथ लड़ने में औरंगजेब पूरी अपनी ताकत पूरा खजाना लेके यहाँ पे उतरा है और उसके साथ मराठों के पास कुछ भी नहीं है. मराठों के पास बस उनके पास अपना जिगर है और उनके पास उनकी फाइटिंग पावर है. मराठा मतलब जो आज हम बोलते हैं कि आर्टिजन्स है, फार्मर्स है, एवरीवन हैज बिकम सोल्जर एट दैट टाइम. क्योंकि जो मराठी में जो लश्कर पेशा करके बोलते हैं, लश्कर पेशा इज एवरीवन इज इनटू फाइटिंग स्पिरिट, एवरीवन इट्स इनटू मिलिट्री. क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है कि एवरी नाउ एंड देन समवन इज कमिंग एंड टेकिंग अवे व्हाट एवर इज इन योर क्रॉप्स, कैटल्स, व्हाट एवर यू हैव. तो ये बन जाता है एक सिविल वॉर एंड एट द लास्ट फेज ताराबाई बिकम द हेड ऑफ दिस सिविल वॉर. शिवाजी महाराज ने किया तो बोला एक सिस्टम करके रखी थी कि किसी को भी जागीर नहीं मिलेगी, सबको सैलरी मिलेगा. एवरीवन इज सैलरीड ओवर हियर इन हिज एम्पायर. सबको सैलरी था, सेनापति को सैलरी था, वजीर को सैलरी मतलब प्रधान को सैलरी था. बट अभी ऐसा है तो सैलरी देना पॉसिबल है नहीं राजा के लिए. तो राजा राम महाराज ने लोगों को ये बताया कि आपके पास खोज है, आपके पास ताकत है, यू स्टार्टेड एक्सपांडिंग, आप जो भी जीतते हैं, जो मुल्क आप जीत के आते हैं वो आपके पास रहेगा. तारा ने सपोर्टेड दैट थिंग एंड इन हर टेन्योर मराठा क्रॉस नर्मदा, पिलाजी जाधव एंड ऑल देयर क्रॉस नर्मदा एंड देयर रीच टू टिल गुजरात एट दैट टाइम एंड देयर स्टार्टेड लूटिंग गुजरात एंड ऑल. मतलब ये गुजरात का जो सूबे है वो औरंगजेब के अंडर है. सो तारा ने मराठा एम्पायर, मराठा को ये दिखा दिया कि यू कैन क्रॉस द नर्मदा एंड मूव अहेड. औरंगजेब का जो एक उसका हम लोग बोलते दरबारी हिस्टोरियन खाफी खान करके था, तो वो लिखता है कि ये कैसे है, मराठा लोग है कैसे कि जिनका राजा मर चुका है, एक राजा को हम मार चुके हैं, दूसरा राजा मर चुका है, उसकी विधवा जो है वो हमारे साथ लड़ रही है, उनके पास ना खजाना है ना बैठने के लिए अच्छे घोड़े हैं. तो उनके पास ना राजा है ना खजाना है ना इनकी राजधानी भी हमारे हाथों में है, फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं. एक मराठा कवि ने तारा रानी के बारे में बहुत सुंदर 4 लाइनें लिखी है कि दिल्ली जाली दीनवाणी, मतलब दिल्ली की आंखों में पानी आ गया है. दिल्ली शाह से गेले पानी, दिल्ली शाह मतलब औरंगजेब, कि उसके पानी चला गया मतलब उसके वह हाल बेहाल हो गया. वो ताराबाई राम रानी कोपली, मतलब ताराबाई राम रानी मतलब राजा राम की पत्नी कोपली, मतलब उसका कोप हुआ है. प्रलयाची वेळ आली, मतलब प्रलय का समय आ चुका है. मुगल हो संभाला, मतलब मुगलो अब तुम संभालो, कि अभी तारा ने जो भद्र काली है उसका कोप हुआ है, तुम अभी संभालो. तो उसके अंडर जो भी जनरल थे जैसे संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, ये फैमिलीज जो थी वो हमेशा मराठा एम्पायर के साथ रही. पंतामात्य बावड़ेकर, पंत सचिव घोरके, ये सारे लोग हमेशा मराठा साम्राज्य के साथ रहे. सन 1707 में बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद
मुगल ताकत कमजोर पड़ने लगी, पर इसके साथ ही ताराबाई के सामने एक नई चुनौती खड़ी हुई जो उन्हीं के परिवार से जुड़ी हुई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई नगर जिले के पास, भिंगार करके अहमदनगर जिले के पास गांव है, वहां पे औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब तब अराउंड 90 इयर्स के आसपास था। तो इमीडिएटली ऑल ऑफ अ सडन औरंगजेब के जो शहजादे थे वो उस टाइम पे ऑलमोस्ट ही दे वर इन देयर 60s, औरंगजेब का जो हम बोलते हैं कि नाती उसके जो होते थे वो पुणे के आसपास रहते थे। औरंगजेब का एक नाती था, वो पुणे में उसके नाम से पूरा था, मोहिद्दीन पूरा करके। तो ये सारे लोगों ने डिसाइड किया कि दैट वॉर इज ओवर, लेट्स मूव बैक टू द दिल्ली, क्योंकि औरंगजेब जो 30 साल महाराष्ट्र में रहा, एक पूरी की पूरी जनरेशन ट्रांजिशन में पैदा हुई और ट्रांजिशन में बढ़ गई। उन्होंने कभी भी अपना दिल्ली कैसा है, आगरा कैसा है, कभी भी देखा भी नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि अपने वहां पे क्या है। तो ये सारे लोगों ने सोचा कि मराठाओं के साथ लड़कियां भी फायदा नहीं है, इनके साथ हाथ मिला लेते हैं एंड लेट्स गो बैक टू दिल्ली। मुगल्स का एक हमेशा का प्रॉब्लम यह है कि वन फादर डाइज, उनके जो प्रिंस और ये होते हैं उनके पावर टसल एक हमेशा होता रहता है वहां पे कि किस किसको मतलब शहजादे जो होते हैं उनके, उन्होंने हमेशा फाइट्स होती है कि अभी राजा कौन बनेगा, बादशाह कौन बनेगा। तो एवरीवन ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड सीकिंग मराठा हेल्प कि तू मुझे सपोर्ट करो, मैं दिल्ली जाके बादशाह बनता हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा आगे। तो मराठाज वर हैप्पी, कोई भी बादशाह है पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए, मराठाज वर हैप्पी विद इट। तो ये सारे लोग दिल्ली की तरफ मूव हो गए और दिल्ली में एक काफी अराउंड 10-15 साल के लिए के अनार्की का टाइम था। तो ये इन बिटवीन क्या हुआ कि जो रायगढ़ औरंगजेब ने जीतने के बाद येसुबाई मतलब छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी और उनका युवराज शाहू दोनों को वहां पे कैद में रखा था। पहले शाहू महाराज को रिहा किया गया, शाहू महाराज महाराष्ट्र में वापस आ गए। तो ऐसा है कि धर्मशास्त्र के अनुसार हमेशा बड़ा जो लड़का होता है वही राजगद्दी पे आता है। तो शाहू बीइंग द सन ऑफ एल्डर सन ऑफ शिवाजी महाराज, तो शाहू हैज मोर राइट। तो मराठाज में ही दो पार्टीज हो गई, एक तारानी का पक्ष और दूसरा शाहू का पक्ष। सो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ लोग आने जाने लगे मतलब। और दोनों ने भी दिल्ली के बादशाह के पास अप्लाई किया कि हमें आपका अप्रूवल चाहिए। मतलब द फनीएस्ट थिंग इज कल तक आप जिनको मिटाने के लिए आप फाइट कर रहे हो, आज आप उन्हीं से अप्रूवल मांग रहे हो कि हु इज मतलब सच्चा कौन है, मतलब हु इज द राइट पर्सन टू बी द किंग ऑफ द मराठा एम्पायर। तो डिप्लोमेटिकली मुगल्स ने दोनों को भी अप्रूवल दे दिया। सो यहाँ पे एक मराठा में इंटरनल फाइट होने लगी। छत्रपति शाहू और उनके पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने एक एक कर ताराबाई के सभी सरदारों को अपनी तरफ कर लिया। तब ताराबाई ने सातारा छोड़ पन्हाला में अपनी राजधानी बनाई। तब से सातारा और कोल्हापुर ऐसे छत्रपतियों के दो राज्य बन गए। पर कुछ ही समय में राजसबाई जो राजा राम महाराज की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत ताराबाई और उनके बेटे को कैद कर लिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। जैसे मैंने पहले बताया कि राजा राम महाराज की तीन पत्नियां थी, एक जो उनके निधन के बाद सती चली गई, बची थी दो, तारा रानी और राजेशबाई। तारा रानी का जो पुत्र थे वो उनका नाम था शिवाजी महाराज और राजेशबाई के जो पुत्र थे उनका नाम था संभाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज पावर में थे, वो मतलब उनका राज्याभिषेक हो गया था और तारा रानी के हाथ में ही पावर थी, शी वॉज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिम। लेकिन यहाँ पे कोल्हापुर में उसके बाद कि तारा रानी वॉज क्वाइट एम्बिशियस, उसका हमेशा अनबन होती थी, काफी लोगों से झगड़े होते थे। तो उसका और काफी सारे जो नोबिलिटीज थे उनके साथ काफी स्ट्रेच रिलेशन भी हो गए थे। तो एक कूप मतलब हम जो बोलते हैं कि कारास्थान, कटक कारास्थान बोलते हैं, वैसे एक कूप हुआ छोटा सा और ताराबाई तारा रानी और शिवाजी महाराज को हटा के राजेशबाई का लड़का संभाजी महाराज ही हैज बिकम द किंग। तो ये जो छोटा सा कूप हुआ, तारा रानी को नजर कैद में पनाह पे रखा गया था। कई साल पन्हाला में नजर कैद रहने के बाद ताराबाई अपने पुराने प्रतिद्वंदी शाहू के पास सातारा चली गई। शाहू के निधन के बाद उन्होंने अपने नाती राम राजा को सातारा की गद्दी पर बिठाया और सातारा पर अपनी सत्ता चलाई।
ताराबाई का निधन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के कुछ महीनों बाद हुआ। तब उनकी उम्र 86 साल थी। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर सदाशिवराव भाव तक महारानी ताराबाई ने अपने जीवन काल में मराठा साम्राज्य के उतार चढ़ाव देखे। तारा रानी मतलब वी कैन से कि महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। शी वाज अ क्वाइट एम्बिशियस पर्सन, बट ज्यादा महत्वाकांक्षी होने से क्या नुकसान हो सकता है? तारा रानी इज अ ट्रेजिक एग्जांपल ऑफ इट कि उस उन्होंने इतना लाइक महत्वाकांक्षी और कर्तव्यगार होने की होते हुए भी उनको अपना आधा लाइफ उनका जेल में या किसी के अंडर ही चला गया। एक उनका लाइफ का जो 7-10 इयर्स का जो स्पैन है, जैसे फ्लैश जैसे वो तारानी चमक के जाती है और उसके बाद एकदम साइलेंट हो जाती है। सो दैट इज लाइक एज आई सेड कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है कि इतनी कैपेसिटी होते हुए भी उनको उनका इतना ये चांसेस नहीं मिले उनको इतने। कोल्हापुर में बने उनके स्मारक को छोड़ महाराष्ट्र और भारत ताराबाई के वीरता और योगदान को एक तरह से भूल चुका है। आशा है कि इस वीर महिला को भारत के इतिहास में अपना सही स्थान दिया जाएगा।